गाइस गुड मॉर्निंग। और उठ चुके हैं और जो है 10 बज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था यार, तुम लोगों का भी जो है माइंड थोड़ा फॉगी फॉगी सा रहता है क्या? मतलब ना कुछ करने का मन करता है और जो है सिर्फ नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, करता है ना? मेरा नहीं करता, ठीक है? मेरा क्यों नहीं करता भाई? मेरा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं ना एक सीक्रेट ले रहा हूँ 6 महीने से, रामबाण। मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। मतलब जिसको भी होता है ना माइंड फॉग वाला सिस्टम, तो अगर तुमने भाई कमेंट करके बता दिया कि भाई मेरे होता है, तो फिर मैं तुरंत ना उसका जो है इलाज नेक्स्ट व्लॉग में दे दूंगा। बाकी जो है बाल हो रहे हैं भाई शैम्पू करने वाले, ठीक है? और ठीक है, तो बस शैम्पू करेंगे, नहाएंगे और फिर आज जो है शावर ले लिया है और फिर बॉडी तो सही हो रही है, तो फिर चल रहे हैं चिकन और राइस खाने। एक जो अपना यूनियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर ही मैं वही मील खाता हूँ अपनी लंच, तो वहीं पर चल रहे हैं खाना खाने। और वहीं पर ना राघव भी है, राघव से मिलवाता हूँ, चलो आ जाओ। तो गाइज हम हो गए रेडी, कैप वैप पहन के और ये हुडी देख रहे हो, कल पिंक वाली पहन रखी थी, आज ब्लू वाली पहन रहे हैं। तो मतलब कोई मेरी हुडी तो नहीं चुरा लेगा ना यार? हाँ भाई मत चुराना। तो बढ़िया सी हुडी पहन रखी है और जॉगर्स और शूज़, चल रहे हैं जी। और बाहर हो रही बहुत ठंड, मतलब थोड़ी सी हो रही, तो देखते हैं कैसा हो रहा मौसम। इतनी भीड़ क्यों लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा। चल रहे हैं जी भाई, मौसम तो बढ़िया हो रहा है यार। ये ना यहाँ की बस है, तो हमारे पास अभी गाड़ी तो है नहीं, तो अब कहीं पर भी जाना होता है ना तो इसी बस में जाते हैं। मतलब इधर इस वाली में नहीं, मतलब और भी आती हैं, जैसे वो आ रही है उधर एक, तो वहाँ पर एक बस स्टॉप है उधर ही जाते हैं। बाकी ऐसा चल रहा है सिस्टम, मौसम तो अच्छा हो रहा है यार, ठंडा ठंडा सा। कैसी स्मोकी सी स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जल रहा हो, शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है ना उधर, इस वजह से कुछ, या कुछ जला रखा है सही में। मतलब खेत वेत तो नहीं जला दिए यार? तो ये पागल है क्या, टोपी के ऊपर टोपी पहन रहा है भाई? यार तुम्हें पता नहीं है यार ना, बहुत मतलब ठंड हो रही है भाई, बता नहीं सकता कितनी ठंड हो रही है। मतलब अभी तो साली शुरुआत ही नहीं हुई ठंड की, फिर भी इतनी ठंड हो रही है, तो जब हो जाएगी तो फिर कितनी होगी भाई, इमेजिनेशन में ही डर लग रहा है। क्रिश जैसा लग रहा भाई पीछे ना ये बंदा, पता नहीं वो है या नहीं, ना वो तो नहीं है। भाई चिकन शोरमा और सैलेड, ये रहा अपना दूसरा ब्रदर। सैलेड यस। पर आ चुके हैं हम अपने रेस्टोरेंट पे, ये पीछे ना अपना रेस्टोरेंट है यहाँ साइड पे, तो इधर अपना रेस्टोरेंट पे हमने जो है पैसे दे दिए हैं और मंगा लिया शोरमा राइस और सैलेड। मतलब बेस्ट मील है भाई मेरे लंच की। और जो है ना राघव भी प्रिपेयर कर रहा है, और मैंने ना उसे बोल दिया कि चिकन ज़्यादा डाल दियो, ठीक है? बताना मत किसी को। और मतलब चिकन भरपूर मात्रा से डलेगा, और मैं कह रहा हूँ कि राघव को ना भी हम जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो अपना जॉब वॉब पर बिजी है, देखो दिख रहा होगा आपको ये रहा, ठीक है? तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जॉब पे बिजी है, क्योंकि अगर हम कर रहे हो जॉब और हमें कोई अखबार बार आके बोले या ब्लॉग मिले, परेशान हो जाता है यार आज, ऐसे रहने दो। तो मैं जो है ना ये बताना चाहूँगा कि भाई मेरे को जॉब, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ कैनेडा में, तो मेरे को कितने अर्ली पे मिलता है और मेरे मतलब क्या पैसे बना रहा हूँ मैं, या मेरे को मंथली कितना बन जाता है, बताता हूँ। हाँ भाई बना दे फिर जल्दी बना दे फिर, क्या चिकन शोरमा और ज्यादा फिर क्या डालना है, डबल कर दो शोरमा इतना नहीं करना भाई। तो गाइस हमारा शोरमा आ चुका है जी, ये शोरमा है अपना, इसके नीचे राइस है और इधर सैलेड है। ये वो वाला शोरमा नहीं है जो अपना यहाँ दिल्ली वाला होता था ना शोरमा, वो जो खाते थे मेयोनीज और हरी चटनी के साथ, भाई वो नहीं है सिस्टम। ये मतलब शोरमा जैसे अंदर जो चिकन डलता था ना उसमें, ये वही शोरमा है, बट इसको यहाँ पर वो रोल करके नहीं खाते, खा सकते हैं रैप बना के खा सकते हैं, बट अच्छा हाँ वैसे तो अंदर वाला शोरमा कहते हैं ना इसको, तो शोरमा ही है वैसे तो, ये शोरमा ही है, ठीक है? और इसको खाते हैं भाई, चिकन शोरमा और अपना राइस और सैलेड, मज़ा आ जाएगा। ये अपनी भाई प्रोटीन रिच मील है फुल,
और इसके बाद फिर जाएंगे आज जिम। एक मतलब मैं कितना पैसे कमा लेता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं ये बताना था। तो जैसे एक घंटे का ना गाइस मेरा है $16.5, तो इसको कैलकुलेट कर लेना इंडियन के हिसाब से। अभी जो है 60 मान लो आप 60 का रेट, तो एक घंटे में मेरे को इतने पैसे मिल जाते हैं 1200 के अराउंड, ठीक है। तो 1200 से 1300 के अराउंड मेरे को एक घंटे में मिल जाते हैं काम करके, और मतलब इतने अराउंड मिल जाते हैं। और अगर महीने फिर इसको जो है 8 घंटे का लगा लो, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, और फिर इसको 8 दिन मतलब 6 दिन का लगा लो, या 5 डेज़ का लगा लो, 5 डेज़ अ वीक का कल्चर है यहाँ पर काम करने का। 2 दिन अपना बैठ के रेस्ट करता है इंसान और अपना चिल करता है, तो उसके हिसाब से इंटू कर लो आप 4 कर लो इंटू, ताकि भाई 4 हफ्ते होते हैं महीने में, तो आप वो हिसाब लगा लो कि मैं कितना महीने में कमा रहा हूँ। बाकी खर्चा अपना तो ऐसा कुछ है नहीं। जब शुरू में आया था तो शुरू में तो भाई देखो बहुत खर्चा कर रहा था, क्या क्या क्रिश्चियन लूबर्टन और फलाना ढिमकाना, छोड़ो वो तो मैं दिखाऊंगा, जूते भी दिखाऊंगा अपने। बाकी ऐसा कोई खर्चा नहीं है, अपना नॉर्मल लाइफ जियो और जिम जाओ, तगड़े रहो। तो गाइस हमारा लंच तो हो गया है और मैं जो है गाने सुन रहा था थोड़े मेरे चॉइस ना ऐसी ही है गानों की, तो जज मत करना, ठीक है, कर भी लो तो मेरे को कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। मैं ये कह रहा था कि जो है भाई एक ना बड़ी सैड न्यूज़ आई है अभी अभी, मैंने जो है देख रहा था इंस्टाग्राम कि यार पाकिस्तान के पुराने उनके जो है पीएम को गोली मार दी, अभी खैर पैर में लगी है, और मतलब उस लेके गए हैं उनको हॉस्पिटल। तो अब मतलब है तो गलत ही, बट गलत है, ठीक है। तो देखो चलो प्रे करेंगे हम, जय श्री राम, स्पीडी रिकवरी हो, बाकी अपना चलते हैं यार अपने। अब रेजिडेंस आ गए हैं गाइस, रेजिडेंस और फ्रैपचिनो स्टारबक्स की ये पियेंगे भाई, क्योंकि थोड़ी सी नींद आ रही है, और नींद हम दिन में सो के तो टाइम वेस्ट करने नहीं वाला, नींद तो रात के लिए होती है, तो रात को सोएंगे, तब तक ये पी के अपना कुछ काम कर लेते हैं, दूसरे असाइनमेंट होंगे बाकी, और अगर किसी अभी दोस्त से मिलना होगा तो मिल लेंगे, नहीं तो अपना जिम जाएंगे। तो हेलो गाइस, तुम्हें लग रहा होगा कि क्या कर रहा है लेटा लेटा, भाई यार मैं सो गया यार, मैं भाई सो गया, मैंने सोचा था असाइनमेंट करूँगा, और मैं अभी इतना ज्ञान व्यान दे रहा था तुम्हें कि जो है रात होती है सोने के लिए, भाई मैं यार सो गया, ये तो गलत हो गया सीन, और जबकि मैंने कॉफ़ी पी ली यार, कॉफ़ी पी के किसको नींद आती है, वैसे तो मुझे ना कॉफ़ी पी के भी भाई नींद आ सकती है, तुम्हें तो पता भी नहीं मैं ना किस किस टाइम पे सो जाता हूँ भाई, गलत सीन है मेरा। तो अच्छी बात है भाई हमारी स्लीप साइकिल टचवुड सही चल रही है, क्योंकि गेंस तो स्लीप के लिए ही स्लीप से ही जरूरी है ना, मतलब स्लीप इज इक्वल टू गेंस, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कैसे बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन कैसे रहेगा भाई, तो सो लिए चल जो भी है फालतू के बहाने है तो। तो भाई मौसम हो रहा बहुत ज़बरदस्त, देखना ये मैं ना तुम्हें रोज मौसम दिखाता रहूँगा भाई, होता ही इतना तगड़ा है मौसम, देखना क्या हो रहा है, कभी देखा ऐसा, मैंने तो नहीं देखा भाई, पता नहीं स्क्रीन में दिखा है नहीं दिखा। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा शो ऑफ कर दूं क्या, थोड़ा सा, ठीक है, तो ये देखो मैं ना वैसे भाई घड़ियाँ ना थोड़ी कम पहनता हूँ, मेरे को ज़्यादा ना घड़ी पसंद नहीं है हाथ में, मतलब अपना सही है टाइम बढ़िया चलता है हमारा, टाइम हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जैसे थोड़ी बहुत जैसे ना ये तो ना थोड़ी पुरानी है ये, मतलब मिल रखी है ये, ठीक है, और थोड़ी पुरानी है ये, इसके बारे में नहीं बताएंगे, बाकी ये तो अपनी एप्पल वॉच है, और ये अपनी ये भी अभी रिसेंटली मिली है मुझे बर्थडे पे, ये मुझे किसी ने गिफ्ट करी है, मतलब
समझ गए होगे ठीक है। बाकी और यहाँ पर तो अपने सबसे जरूरी चीज, और ठीक है। और बात रही इसकी, तो भाई इसका रिव्यू मैंने आपको दिया नहीं ना अभी तक, मतलब मैं जो है इसमें एक रात सो चुका हूँ और मेरे को जो है ना कुछ फर्क नहीं लगा यार, मतलब कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आया, मतलब ऐसे जैसे कुछ लगना चाहिए था। या तो मुझे लगता है वैसी कनाडा का AQI जो है वो 2 है, हम 400-500 से आ रहे हैं और अब तो शायद 700 हो रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा इससे। या तो ये सिर्फ ना डस्ट के लिए है, जैसे ये ना भाई मेरे इस डक्ट में से कहाँ गया, अरे इधर तो ये हमारा जो डक्ट है ना, इसमें से ना भाई डस्ट आती है, और मतलब मैं कमरा चाहे गंदा भी ना करूँ ना तो भी थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। ये इनकी डक्ट खराब है रेजिडेंस की, ठीक है। तो समझ लो अगर तुम पैसे दे रहे हो ना तो डस्ट फ्री में आएगी, ठीक है। फ्री में तो नहीं, उसमें ही जो तुमने पैसे दिए उसमें आएगी, तो एक रख लेना यार। अगर नई भी होगी ना एलर्जी डस्ट की, हो जाएगी भाई, इतनी कभी बार डस्ट निकलती है, मतलब अगर एकदम से ब्लोअर चल जाए ज़्यादा तेज। ये रख लिया अपने लिए, तो ये शायद डस्ट क्लीन कर रहा है। तो एक जैसे सुबह सुबह जैसे ना कनाडा में हो ना, तो सुबह सुबह जो है भाई कोल्ड हो जाता है हर बंदे को, जौन सा मर्जी जो कनाडा में होगा ना उससे पूछ लेना कि अगर वो सुबह उठता है तो उसे ना नाक बंद और गला बंद वो होगा 100%। वो भाई या तो ड्राइनेस की वजह से होता है या वो सुबह जो है ना डस्ट डस्ट की वजह से होता है, दोनों में से तो कोई ना कोई तो रीज़न है, कुछ ना कुछ तो है। देखो जो बात है, तो मतलब हमने तो दोनों का इलाज बांध दिया, एक हमने लगा रखा है ह्यूमिडिफायर जो करेगा ड्राइनेस ख़त्म, और एक बांध दिया हमने इसका एयर प्योरीफायर डस्ट का इलाज जो बांधेगा। तो मतलब हम रामदेव बन जाएंगे अब, ठीक है। इतनी तगड़ी सांस आ रही है, तो चलते हैं गाइस जिम, ठीक है। तो गाइस हो चुके हैं हम जिम के लिए रेडी, हमारा टाइम सबसे फेवरेट जिंदगी का, सबसे ज्यादा फेवरेट जिंदगी का टाइम, अपनी एडिडास ओरिजिनल्स अंदर सुपर ड्राई, और लोअर तो सेम ही चल रहा है, बाकी ये ब्लू चप्पल इंडिया वाली, और मतलब तगड़ा जिम कर देंगे आज, मजा आ जाएगा। चलो चल रहे, तुम्हें मेरे पीछे का 1% भी दिख रहा है क्या? भाई यहाँ तो पॉल्यूशन हो गया केड़ा, इतनी धुंध कहाँ होती है, यमुना एक्सप्रेस वे बन गया भाई। ओए बज गई मेरे पे, बज गई। नहीं 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 भाई, इधर मत मारियो भाई, यहाँ तो सिस्टम ये लग रखा है, देखना भाई, ना मेरे को जिम दिख रहा है ना मुझे मेरा कॉलेज दिख रहा है यार। कैसे जाऊं, और कोई सी गाड़ी मार गई फिर, नहीं वैसे पिटेगा तो बहुत, मार गई तो ऐसे कैसे मार जाएगी कोई सी। देखना भाई कॉलेज नहीं दिख रहा है यार, क्या हो गया ये। बल्ली कीड़ा करता है तंग मैनू दस, बल्ली तुहाडे मैट्रिक च आउंदी ना प्लस, बल्ली करदा है तंग कीड़ा दस, बल्ली ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੇ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਖਾਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜਦ, ਬੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੀ, ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ, ਬੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਣ, ਬੱਲੀ ਹੋਇਆ ਫੈਲ ਪੂਣਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰ, ਬੱਲੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਸਿਰ, ਬੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਨ ਤੱਕ ਪੰਪ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈ ਬੋਡੀ तगड़ी। तो फिर कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यार टीम में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो यार गाइस। तुम लोग ना कमेंट नहीं कर रहे यार, कोई भी कमेंट करो,
कमेंट करो, तुम मुझे इंस्टा डीएम पे मत बताओ या स्नैपचैट पे मत बताओ कि भाई बढ़िया है व्लॉग बढ़िया है, कमेंट कर दो ना यार, कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा, उससे ना मेरे को भी रीच बढ़ेगी और मजा आएगा। तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय।